जय माता रानी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, ओम भीम भगला मुख सदुष्टान पाचम कम परम स्तंभ पाम के लिए ओम स्वाहा। और मित्रों, क्या हाल चाल है? समझ में जी? मजे में तो मैं भी हूँ, बात तो पक्की है। जब आप मजे में होंगे तो मैं होऊंगा, और मैं मजे में होऊंगा तो आप होंगे। और बताइए मित्रों, क्या चल रहा है? उम्मीद तो है कि सब सही चल रहा है मित्रों। और अक्षय तृतीया के लिए, कल के लिए आपने बहुत लोगों ने पूछा है, तो देखिए मंत्र विधान कुछ इस तरह से होते हैं मित्रों। अक्षय तृतीया को बहुत चीज़ें सिद्ध की जा सकती है, शुद्ध मंत्र होते हैं ना, वो अक्षय तृतीया को आप सिद्ध कर सकते हैं शुद्ध मंत्र सारे के सारे। शुद्ध मंत्रों तो बहुत आते हैं मंत्र, और आप मन माफिक कर सकते हैं सिद्ध उनको, ठीक है। गणेश जी भगवान का ओम गम गणपते नमः, या ओम ग्लौम हरिद्रा गणपते नमः, ओम गम गणपते सर्व कार्य सिद्धिदायिने कुरु कुरु स्वाहा, ये सब मंत्र कोई भी इसमें से गणेश जी का कर सकते हैं। सरस्वती जी का मंत्र कर सकते हैं, ओम भागवतनी स्वाहा, और ओम एम सरस्वती नमः, ओम एम ह्रीम एम सरस्वती नमः, ओम क्लीम सरस्वती नमः, ओम बम भागवतनी भागवतनी सरस्वती महादेवी सर्व सर्व विद्या देही कुरु कुरु स्वाहा। तो बहुत तरह के मंत्र हैं, इसमें आप कर सकते हैं। लक्ष्मी की साधना कर सकते हैं, लक्ष्मी की उच्चतम साधना कर सकते हैं। और अक्षय तृतीया को तो आपको लंबे लंबे प्रयोग लेके चलना चाहिए, तो उसमें मज़ा भी आएगा। पहले दिन भले ही एक माला करिए, दो माला करिए, ग्यारह माला करिए, इक्कीस माला करिए, इक्यावन माला करिए, बाद में उसका एक नियम बना लीजिए अक्षय तृतीया के बाद कि वो आपको करना ही है। श्री सूक्त तो सुना है ना, लक्ष्मी सूत्र, श्री सूक्त का पाठ इस दिन बहुत लाभदायक होता है, बहुत लाभदायक। पहले उसको संपूर्णित करना श्री सूत्र को, और मंत्र आपको जो दिया जाएगा श्री सूत्र से पहले 11 बार बोलना है ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ठीक है, 11 बार। और एक फिर श्री सूक्त का पूरा पाठ करने के बाद फिर बाद में बोलना है दोबारा उसके बाद ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार। फिर एक पाठ करने से पहले 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र बोलना है, और फिर एक पाठ करने का इस तरह 16 पाठ करने हैं आपको। इसी क्रम से 16 पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी को पाठ समर्पित कर देना है आपको, कि हे माता लक्ष्मी, ये पाठ आपको समर्पित है, ठीक है। और मतलब दूसरा भी एक बात और बताओ आपको, इस दिन किए जाने वाले विधान, मतलब मैंने देखा कि फल अवश्य देते हैं, भले वो आपको महसूस हो ना हो, क्योंकि ये तिथि ऐसी है जो फल देती देती है। और लक्ष्मी का एक बहुत बड़ा प्रयोग भी होता है, नौ कमल मतलब उसके नौ गुलाब के या कमल के फूल ले लें, और माता लक्ष्मी का चित्र ले लें, और चावल की ढेरी पर पट्टा बिछा के उस पर लाल का कपड़ा बिछाएं, उस पर चावल की ढेरी लगाएं, ढेरी के ऊपर सतिया बनाएं, चावल की ढेरी पर हल्दी से सतिया बनाएं, हल्दी से सतिया बनाने के ऊपर सो महालक्ष्मी का चित्र या मूर्ति रखें, और उसके बाद उसका नौ गुलाब के या कमल के फूलों से उसका पूजन करें, और उसके बाद उसका प्रसाद लगाएं, पंच मिठाई हो या सफ़ेद मिठाई कोई भी उसका प्रसाद लगाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, एक धूपबत्ती जलाएं, और जायफल मतलब पूजा वाली छोटी वाली जायफल आती है, जो मतलब जो शुद्ध बेसिक जायफल होती है, जो देसी जायफल खाने वाली कहते हैं, उसका उस दिन आहुति उसी की देनी है उस दिन, ठीक है। आपको उसकी पूजा वाली जायफल काली वाली की नहीं देनी है, बड़ी वाली की, छोटी वाली जायफल की, तीन जायफल की आहुति कपूर रख कर रहे हैं, ठीक है। और आपको मंत्र बता देता हूँ, वो मंत्र करें आप 21 माला या 11 माला। मंत्र बहुत सिंपल है, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी अक्षय धन बुद्धि देही देही एम श्रीम क्लीम स्वाहा। दोबारा सुन लें, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नहीं सॉरी ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी अक्षय धन बुद्धि देही देही एम श्रीम क्लीम स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी अक्षय धन बुद्धि देही देही धन वृद्धि, मतलब ये अक्षय धन वृद्धि बढ़ाने वाली है, समझ गए ना मित्रों? हाँ, अक्षय धन वृद्धि मतलब धन को बहुत बढ़ाने वाली साधना है, और जी मैं बहुत पहले एक आध दो बार करा चुका हूँ, ज़्यादा तो नहीं कराई मैंने। ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी अक्षय धन वृद्धि देही देही एम श्रीम क्लीम स्वाहा, ठीक है मित्रों। इसको तो इसको करें आप माला को, और लाभ तो इसका अवश्य होगा, ये पक्की बात है, ठीक है। लाभ इसका अवश्य होगा, आप करेंगे उसको, आनंद आएगा आपको करने में, कोई टेंशन नहीं है, कर सकते हैं आप इसे। और अगर आप इस दिन चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा कौन सा पाठ करना मालूम है? पहले तो राम जी का मंत्र करना है, ओम श्री राम रामाय नमः, ठीक है। और राम जी का मंत्र करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और आराम से करें, करीब करें 11 21 54 90 या 108 पाठ हनुमान चालीसा के, प्रेम से करें, हनुमान जी के आपको झलक आज
कहीं ना कहीं महसूस करा देंगे, पक्की बात है। अक्षय तृतीया कल 7 तारीख को, पक्की बात है। तो आप करें बताएं, बजरंग बाण का अगर शत्रु परेशान कर रहा है या बाधाएं आ रही हैं जीवन में, तो बजरंग बाण के 21 पाठ करें अक्षय तृतीया को कल के दिन, और उसके बाद नियम उठा लें, एक पाठ रोज का नियम उठा लें, और आपको उसकी चीज़ महसूस होगी, ताकत भी महसूस होगी। और ये तो क्रिया विधान में तो करने से ही मिलेगा, कहते ना मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, तो करे बिना चीज़ भी नहीं होती, तो आपको करना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें तो भाई करके देखने की होती हैं, आजमाइए, फल तो मिलेगा, फल की चिंता ना करिए आप। और ये बात भी सही है, आपको एक बात और बताऊँ, एक बात और सही है, मैं लोगों को अचूक विधियाँ बता देता हूँ कभी कभी, लेकिन वो क्या होता है, उनकी गृह दशा या उनके माथे को इतना बांध दिया जाता है कि वो क्रिया ही नहीं कर पाते या मंत्र ही नहीं कर पाते, जबकि बहुत आसान आसान होते हैं, एक माला दो माला या 21 माला ऐसे मंत्र दिए जाते हैं, वो भी नहीं कर पाते, मतलब उनको दिमाग को इतना चलायमान कर दिया जाता है, इतना डिस्टर्ब कर दिया जाता है कि वो भी नहीं कर पाते। ये सब चीज़ें संभल के करने की होती हैं। अक्षय तृतीया को लोग क्या करते हैं मालूम है, सामान खरीद खरीद के भर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बहुत ज़रूरत की चीज़ है वही लाइए आप, जो बहुत ज़रूरत की चीज़ है वही लाइए आप। ये ज़रूरी नहीं है कि सोना खरीदेंगे सोना बढ़ते चले जाएगा, ऐसा नहीं है। शगुन के तौर पर कुछ भी ले लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि ओहो उस दिन अक्षय तृतीया को अक्षय चीज़ें हो जाती हैं, तो बहुत सारा चीज़ें खरीद लेते हैं कि बढ़ती जाएंगी, ऐसा नहीं है मित्रों। तो एक मतलब शगुन मात्र, मतलब आपको थोड़ी सी वो चीज़ लेकर रख लेनी है, तो उसके बाद उसकी वृद्धि होती रहेगी, वही चीज़ होती है। तो ऐसे तो जो बहुत पैसे वाले हैं वो सारे का सारे पैसे का कोई सामान खरीद लेते हैं, सब वस्तु खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। उस दिन दान पुण्य करिए, दान पुण्य का आपको फल अवश्य मिलेगा और अच्छा मिलेगा। दान पुण्य करिए, गरीबों को बच्चों को अनाथालय में जाकर दीजिए। मैं अमूमन सबसे कहता हूँ और मेरा खुद का मानना भी है, सिद्धांत है, मैं खुद भी इस बात को फॉलो करता हूँ कि बड़े बड़े मंदिरों में जो पहले से धनाढ्य मंदिर हैं, छोटे मंदिरों की बात नहीं करता, बहुत बहुत धनाढ्य मंदिर हैं, उनमें भगवान को रिश्वत देने के बजाय, छोटे छोटे मंदिरों में जहाँ सेवा नहीं हो पा रही, पुजारी नहीं है, कोई नहीं है, नहीं कर पा रहा है, उनमें पैसा दें, मदद करें, सपोर्ट करें। वहाँ के पुजारी या जो भी होते हैं काम देहातों में, उनको कुछ भी भेंट नहीं मिल पाती है, उनको भेंट दें, उनको पैसे की मदद करें। आसपास के लोगों में वहाँ प्रसाद लगवा करके बंटवाएं, गरीबों की मदद करें। भगवान इससे ज़्यादा आपकी नहीं सुन सकता है, इससे जितनी सुनेगा उतनी आपको भेंट देने से नहीं सुनेगा। भगवान को आप क्या दे सकते हो, कितने दे सकते हो, आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि इतनी अभी आपकी औकात नहीं है कि भगवान को कुछ दे सको। और जब भगवान लेने पर आता है ना, तो आपको समूचा आत्मा सहित ले लेता है, इसलिए भगवान से कभी मत कहना। और कभी भी लोग बाग कहते हैं ना कि अरे भगवान हमें उठा ले, कुछ ऐसे ऐसे भी नहीं बोलने चाहिए शब्द, क्योंकि भगवान फिर उठाता नहीं है। गरीबों को दें, मदद करें लोगों को, और ऐसे लोगों की मदद करने में मुझे बहुत मतलब अंतर मन से खुशी मिलती है। और ये मैंने एक चीज़ और देखी मित्रों, मुझसे जितना जुड़ाव मुझे जितना लगाव मिला, जितना प्यार मिला लोगों से, मैं नहीं मानता किसी को मिला होगा। इतने भाव विभोर होकर के आदमी आते हैं, मैं कई बार डांट देता हूँ लोगों को, डांट देता हूँ, मैं कैसे डांट देता हूँ मालूम है, जैसे समय भी समय आ गए, सुबह आ गए, शाम को आ गए, रात को दोपहर में कभी भी आ गए, तो मैं डांट देता हूँ, लेकिन उनको मालूम है कि मैं मन से ऐसा नहीं हूँ, तो वो थोड़ी देर में ही समझ जाते हैं, क्योंकि मेरे मन में वो चीज़ें नहीं होती। इसीलिए मित्रों, कभी भी मुझे आने से मेरे पास आने से पहले संपर्क करें और परमिशन लें एक बार, ताकि मैं अस्त व्यस्त दिनचर्या में ना हूँ। वैसे भी मैं कई लोगों को नहीं मिल पाया हूँ, इन 3-4 दिन में मैं बार बार बाहर जाता आता रहा हूँ, तो आप परेशान ना हो। जिन जिन को कॉल लग गई है, जिनसे हाँ कर दी है, उस समय तो मैं उपलब्ध हो जाऊँगा, आ जाऊँगा, लेकिन जिसको नहीं की है वो सोच ले कि वो 10-20 घंटे भी बैठ जाएगा तो नहीं मिलूँगा। तो इसलिए समय की बर्बादी भी ना करें, और परमिशन या आज्ञा के, गुरु की आज्ञा के बिना करना भी नहीं चाहिए, वैसे भी आपको मालूम है। और मैं लोगों से कहना चाहूँगा, भाई ये कपड़े वपड़े मत लाया करो इतने, पैंट शर्ट में ज़्यादा बनवा नहीं पाता हूँ, और कपड़े वगैरह ज़्यादा नहीं बनवा पाता हूँ। मिठाई भी थोड़ी कम करो भाई, मैं मोटा ताज़ा हो गया हूँ, अट्टा कट्टा
मिठाई खाना गलत होता है भाई, ज़्यादा मिठाई नहीं खानी चाहिए। अब तो जो लोग मिठाई लेके आते हैं ना, मैंने एक हिसाब बांध लिया, बेटा लेके आओ मिठाई, आधा लेके दे देता हूँ उन्हीं को लगा के माता रानी का प्रसाद। नहीं बहुत, मतलब मेरे मेरे जो लोग जुड़े हुए हैं बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मैंने देखा। कभी कभी जब कभी ऐसा होता है, कभी कभी जो वैसी सन्यासी वृत्ति आ जाती है, मतलब ममता, संसार से ममता त्याग हो जाती है एकाकी, तो बहुत लोग मुझे सपोर्ट करते हैं मैंने देखा कि नहीं गुरु जी आप तो हमारे हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लोगों की भावनाएं अच्छी हैं। और दोस्तों एक बात और बताऊं, जो लोग ये सोचते हैं ना मैं ग्रुप वगैरह के माध्यम से उनसे पैसे वगैरह ले रहा हूँ, तो ये सब सोच को अपने दिमाग से निकाल दें, निकाल दें सोच को, क्योंकि ये सब भविष्य में ये सब चीज़ें फ्री करने जा रहा हूँ बिल्कुल। मैं किसी से भी 1 रुपया ग्रुप में नहीं लूँगा, 1 रुपया भी, बस 1-2 महीने। ये मेरा एक तरीका था लोगों को आजमाने का, जो गुरु गुरु करते हैं ना उनको आजमाने का, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, इतना आपके पास नहीं है अभी, और अगर ज़्यादा है तो चलिए जिन पे ज़्यादा पैसे हैं वो 5-10 करोड़ मेरे खाते में जमा करा दीजिए, जिन पे कम पैसे हैं वो 1-2 लाख करा दीजिए, अगर ज़्यादा पैसा है तो तब मुझे लगेगा आपने थोड़ा सा पैसा मुझे दिया गरीबों की मदद करने के लिए। कम से कम अपना आधा तो दीजिए अपने, और मुझे मालूम है ऐसे भी लोग हैं वो आधा भी दे देंगे, ऐसे भी हैं। लोगों ने मुझसे रिश्ते ऐसे नहीं बनाए हैं, गुरु शिष्य या विद्या सिखाने वाला नहीं समझते मुझे, टीचर नहीं समझते, मालूम है आपको, मुझे माता पिता भाई, गुरु पिता, गुरु पिता कई लोगों, बच्चों और बच्चियों ने मुझे गुरु पिता बनाया है मुझे, और ऐसे लोगों के लिए जान कुर्बान है भाई, क्योंकि जो इतना मान देते हैं अपने माता पिता के बराबर ला के बैठा दिया तो उनकी जान थोड़ी ली जाएगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी, इस भाव का तो मैं समझ लो कायल हूँ। और जो हर चीज़ के होते हुए भी जो उन्होंने मुझे वो दिया, मैं कई कई मुझे मैंने एक चीज़ और आजमाई, 6-6 महीने लोगों से बात नहीं कर पाता था, कॉल करते ही रह जाते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनके मन में ये आता है कि ये क्या इंसान है या क्यों नहीं उठाता, बहुत कम लोग हैं ऐसे, बात ज़्यादातर प्यार ही करते हैं मुझे। एक बार भी जिनका कॉल एक बार भी लग जाता है तो उसमें से कई लोग तो रोने लग जाते हैं भाव से कि गुरु जी मुझे आई कांट बिलीव इट कि आपसे बात हो रही है, तो मैं कहता हूँ चिंता मत करो मैं ही हूँ कोई दूसरा नहीं है। कुछ लोग तो करते हैं, अरे मनोज भैया आप ही है ना सच में, मैं सपना तो नहीं देखा, धोखा तो नहीं खा रहा मेरे, कहता ही भैया सपना दिए दिन भैया तो तो अच्छा लगता है जनता का इतना प्यार देख के, इतना लगाव देख के अच्छा लगता है। और मैं थोड़ा समय बाहर रहने के होके आने के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, अभी तो किसी को आने की आज्ञा नहीं है। अक्षय तृतीया को बड़े प्रयोगों से फ़ायदा होता है, जो स्थिर चलते हैं, लंबे चलते हैं। आलू ले आऊं। चलिए मित्रों, जय माता रानी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। पापा जी आ गए हमारे, पापा जी कह रहे हैं बाजार जा रहे हैं वो, ठीक है। चलिए मित्रों मिलते हैं एक ब्रेक के बाद आपसे, फिर मुलाकात होगी। भगवान दत्तात्रेय का मंत्र है ओम धाम दत्तात्रेय नमः, बहुत ज़बरदस्त सिद्धि होती है आज के दिन उसकी, बहुत ज़बरदस्त। 11 माला उठाइए आज से और 110 दिन तक करिए 11 माला, भाई साहब आपको चमत्कार दिख जाएगा दत्तात्रेय भगवान का। जब दत्तात्रेय का माला मंत्र उठाइए बहुत चमत्कारी है। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयस्मास्तुता महाभिन महानंदा बालोद मत प्रचार ह्रीम सौ क्रोशमश सिंहों चिरंजीवनी वसट वसी गोर्चु वसट कसकूं ठठअष्टम खमान नम संपन्न नम संपन्न स्वाहापूस पुष पर मंत्र पर्यंत प्रतंत्र छिंद छिंद गृहन्नवन्द दुखम हरे हरे दयदम पिता देहम पुज चित्तम तो सर्व मंत्र सर्व यंत्र सर्व तंत्र सर्व पल्लव स्वा ओम नम शिवाय। बहुत सुंदर मंत्र,
बहुत बचपन की अवस्था से कर रहा हूँ उसको मैं। दोस्तों मालूम है मंत्र कब काम करते हैं? आपको मालूम है मंत्र तब काम करते हैं जब वो आत्मा से निकले, अंदर से निकल के आए, आपको उसको याद नहीं करना पड़े, आपको सोचना नहीं पड़े आप क्या बोल रहे हैं। मन की तरंगों से निकल के आए अंदर से, तब मंत्र है वो। मंत्र यानी मंत्रणा, वार्तालाप, वो मंत्र है। मंत्र वो नहीं है कि आपको किताब से पढ़ पढ़ के आपको मतलब बताना पड़े सामने वाले को, या फिर उसको डालना पड़े। इंटरनेट की ज़्यादातर चीज़ें इसीलिए फेल हो रही हैं और इतने खतरनाक दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। अब देखिए मैं भी यूट्यूब पर हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपके सामने मंत्रों को बिल्कुल न केवल बोल के बताता हूँ धरा प्रवाह, ताकि आपको समझ में भी आए कि इस तरह की पकड़ होनी चाहिए मंत्रों पर, ठीक है ना। और मंत्रों पर पकड़ होने के बाद ही वो सिद्ध होते हैं, अन्यथा आपको कोई कहता है कि अरे उस किसी ने डाल दिया अपने चैनल पर या अपने उस पर कि देखिए, और उसने कभी बोल के नहीं बताया धारा पर बात, समझ लीजिए उसके पास मंत्र सिद्धि नहीं है, पक्की बात है। इसमें कई लोगों का वो भी आता है कि गुरुजी मंत्र बोलने से निष्प्रभावी हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने उसको ब्रह्मांड की शक्ति से मिला लिया है तो वो निष्प्रभावी नहीं होंगे, ये भी एक रहस्य है, इसको हर किसी को नहीं आता है। अगर ब्रह्मांड की शक्ति में मंत्र का विलय कर दिया है आपने अपनी आत्मा के संग, तो वो कभी क्षय नहीं होगा, वो क्षय तभी होगा वो केवल आपके पास रहेगा, ठीक है ना। और ब्रह्मांड की शक्ति में रहेगा तो उसकी ताकत हर किसी को महसूस होगी। जब मैं लाइव में कोई प्रयोग बताता हूँ ना, क्योंकि मैं उसको यहाँ से आवाहन करता हूँ, उसको आवाहित करता हूँ शक्ति को, और लाइव में जब प्रयोग बताता हूँ तो वो शक्ति सब जगह महसूस होती है, झांझा होती है। बहुत कमी लोग हैं जो होते हैं जिनके प्रारब्ध बंधे हुए होते हैं, उनको महसूस नहीं होती। अन्यथा जिसके भी प्रारब्ध खुले हैं, जरा भी सही समय चल रहा है, जरा भी 1% भी उसको महसूस होती है। मैं कई चीज़ें तो डालता नहीं हूँ मतलब आपको देने बताने के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे अनुभव, कठिन कठिन अनुभव आते हैं, जैसे कि बगलामुखी की मैं कई लोगों को उग्र मंत्र करा रहा हूँ, अलग से करा रहा हूँ, बगलामुखी का सावर, ओम सौ सौ सता समुंदर, समुंदर में टापू, कच्ची बच्ची का कुदिया स्वान वाला, और बहुत मंत्र, तारा का मंत्र, तारा उग्र विद्या, तो यहाँ पे उसके अनुभव नहीं डाले जा सकते। यहाँ पे सिंपल अनुभव डाले जा सकते हैं, जो व्यक्ति बोलते हैं वो उनको डाल सकते हैं, तो वो उनको महसूस तब होती है जब विद्या ब्रह्मांड में विलीन होती है। आपके मन की गति आपके शरीर की गति से और आपकी जवान की गति से ज़्यादा होती है। मंत्र तभी काम करता है जब मन की गति पे चले, शरीर की गति या जवान की गति पे नहीं चले। ऊर्जा पे भी मंत्र ज़्यादा तेज़ नहीं चलता है, लेकिन मन की गति पर बहुत तेज चलता है। ऊर्जा को भी पहुँचने में टाइम लगता है, एनर्जी को, लेकिन मन की गति एक सेकंड में पहुँचती है। कैसे मालूम है? जैसे कि हमारा कोई भाई रह रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सऊदी अरब, लंदन, कहीं भी कोई भाई रह रहा है हमारा, तो हम उसको दिमाग में उसका चेहरा याद करेंगे तो मतलब हमारा मन उसके पास पहुंच चुका है, याद करते ही। तो ये मन की गति होती है, मतलब क्षणिक, ये मन की गति होती है। तो मंत्र मन की गति पे ज़्यादा तेज काम करते हैं। मंत्र को स्थान देना आना चाहिए। आप मंत्र कर तो लिया, आपने सिद्धियाँ भी कर ली, पर उसको अंग में स्थान नहीं दिया शरीर में। लोग कहते हैं शरीर तो पापी होता है, इसमें मंत्र को कैसे स्थान दें? ये तो महामूर्खता वाली बात है। क्योंकि ये प्रश्न कई पे आए थे कि पंडित जी आप कहते हैं कि मंत्र को शरीर में स्थान देना पड़ता है, तो मैं कहता हूँ मूर्खो, मैंने कब कहा कि इस पंच तत्व के शरीर में देना पड़ता है? एक दैविक शरीर भी होता है, उसमें दिया जाता है स्थान। दैविक शरीर होता है जो आत्मशरीर जिसको कहते हैं, उसमें स्थान दिया जाता है मंत्र को, उसमें उसको विराजित किया जाता है, विराजमान किया जाता है। तो वो सब चीज़ें होती हैं। धीरे धीरे आपको मैं इन चीज़ों के रहस्य बताता जाऊँगा धीरे धीरे। कड़ी तपस्या के बिना मंत्र का वो प्रभाव नहीं दिखता जो हम लोग जल्दी से पाना चाहते हैं, क्योंकि देवता भी चाहता है कि कम से कम आप उस योग्य हों कि उसकी शक्ति को धारण कर सकें। शक्ति को धारण नहीं कर पाएं तो कुछ नहीं है। देवता आपको क्यों अपनी शक्ति देगा? वजह बताइए उसकी, आपके अंदर ऐसा क्या है? कभी सोचा है आपने? मैं सोचता हूँ कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि मुझे शक्ति मिले या मैं शक्ति का अधिकारी हूँ। लेकिन जब पूरी तरह तन्मयता के साथ
2 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे उसका करता हूँ मैं, तब मैं अधिकारी मानता हूँ कि हाँ मैंने थोड़ा सेवा की है, तो अब मुझे मंदिर का थोड़ा सा फल मिलना या उसका थोड़ा अंश मिलना चाहिए। तब अधिकारी होते हैं आप, जब कड़ी तपस्या करते हैं किसी चीज़ के लिए, वो अधिकार आता है फिर आपका, उस जगह आप योग्य होते हैं, और वो योग्यता ही सबसे बड़ी बात है। आप लोगों की योग्यता भी, मैं आप लोगों की योग्यता भी परखता हूँ कई माध्यम से। मैं हमेशा से आपके लिए यूट्यूब पे आया, मैंने हमेशा से आपको कहा था, फिर मैंने बहुत लोग आते थे मेरे पास, अरे पंडित जी ये कर दीजिए, अरे पंडित जी वो कर दीजिए, आप ऐसा कीजिए पंडित जी ग्रुप बनाइए, हम आपको देंगे 11,000, 21,000, 15,000 और साधनाएं सीखेंगे आपसे। तो ऐसे मैसेज हज़ारों की संख्या में, तो मैंने कहा कि इनको आजमाया जाए, फिर मैंने ग्रुप बनाया, इनको आजमाया लोगों को क्या है जी क्या, क्योंकि मैं इस मामले में परफेक्ट हूँ, मुझे इस चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे 15 साल से ऐसे शिष्य जुड़े हुए हैं जो बहुत मतलब के समर्थ हैं हर चीज़ में, तो उनकी उनकी उसकी वजह से मुझे तो इन चीज़ों की दिक्कत ही नहीं रही कभी। वो तो मैंने उनको, मैं उनको मना करता हूँ लोगों को, नहीं तो एक मतलब एक महीने के अंदर पूरा भर दें सामान से घर, बड़े बढ़िया सामान से, वो तो मुझे लेना ही नहीं, सबसे मना करता हूँ हमेशा। तो वो सब चीज़ें होती हैं मित्रों, तो आजमाना पड़ा मुझे आप लोगों को, तब मुझे निकल के आया कि मतलब निकल के आया कि क्या मैं कैपेसिटी या मेंटेलिटी कितनी है लोगों की, क्योंकि हम दे रहे हैं किसी चीज़ को तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो कितना योग्य है सामने वाला। मेरे लिए सारे मेरे जो शिष्य हैं वो मेरे बच्चे समान हैं, बच्चा बांधता हूँ मैं अपना, उसको सबको बच्चे हैं मेरे। बच्चा अगर बदमाशी करता है तो उसको डांटेंगे फटकारेंगे, मैं इनको कईयों को सुनाता भी हूँ, समझा भी देता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है जी। मेरे मन में उनके प्रति कभी भेदभाव नहीं आएगा, और उनका मेरे मन में मेरे लिए भी नहीं आएगा, जो भी मुझे मालूम है, क्योंकि मेरा व्यवहार ही ऐसा है। मैं सबसे कहता हूँ आप फ्री हो, हर चीज़ के लिए फ्री हो, मज़ा करो ज़िंदगी के, जो पूछोगे बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। और मेरे कई शिष्य तो ऐसे हैं जिन्होंने दूर दूर जाकर डंका बजा दिया है जगह जगह। कल परसों तो हमारे शिवम भाई ने डंका बजा दिया दतिया में जा करके, जाने क्या क्या कह दिया हमारे लिए, तो मनोज जी का बताओ, यो बताओ, यो बताओ। भाई ऐसा मत करो भाई, ये शिष्यों किसी से बहस मत करो ज़्यादा। ज्ञान बहस करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि ये तो मैं भी जानता हूँ कि जिस पे कोई चीज़ होगी कभी बहस नहीं करेगा किसी भी चीज़ पर, क्योंकि ये ज्ञान का प्रतीक नहीं होता बहस करना, मूढ़ता का प्रतीक होता है, मूढ़ मतलब गवारपन का प्रतीक होता है, क्योंकि ज्ञान को दिखाया नहीं जाता, वो अपने आप दिख जाता है। हेलो, हैं, हाँ हाँ क्यों बोलो, तबीयत बिगड़ रही है, कहाँ पे अस्पताल में ही है, घर पे आ गए, अरे तबीयत कैसे बिगड़ रही है यार, क्या बात है, चलो मैं देखता हूँ, मैं अभी मैं करता हूँ मैं कुछ ना। हमारे एक दोस्त की माता श्री की तबीयत जरा ज़्यादा ख़राब है, तो उनके लिए जाना पड़ेगा थोड़ा सा देखने के लिए। और मैं तो एक बात और बताऊँ आपको, एक बहुत बढ़िया मंत्र बता रहा हूँ, भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए थोड़ा सा आपको मंत्र बता रहा हूँ। इसकी अक्षय तृतीया सही साधना होती है, 21 दिन तक 21 माला रोज मंत्र पहले समझ लीजिए जल्दी से, ओम ह्रीम मानसे स्वप्नेश्वरी विचार्य विद्ये बद्वत् स्वाहा, ओम ह्रीम मानसे स्वप्नेश्वरी विचार्य विद्ये बद्वत् स्वाहा, 21 माला रोज, घी का दीपक होगा, गाय के घी का दीपक, पीला आसन होगा, पूर्व दशा या उत्तर दशा होगी, और साधना रात्रिकालीन साधना है, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, उसके बीच में करनी है आपको, कोई कमरे में नहीं आएगा, अकेला कमरा होगा, और आप तो कर सकते हैं ऐसे आराम से, कभी दिक्कत नहीं होगी इसमें। ये इसको करने के बाद अगर आपने इसको 54 दिन कर लिया तो आपको भूत भविष्य वर्तमान के हिंट मिलने लग जाएंगे, गारंटी है इस बात की। सही तरह करना जी आपके हाथ में, कैसे करेंगे आप जी आप देखिए। बाकी इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में नीचे, कमेंट में आप मुझे डालें तो मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में बात डालूंगा, जितने कमेंट आएंगे जिस हिसाब से कमेंट आएंगे इस वीडियो के हिसाब से, उसमें उनकी सबकी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दूंगा, बाद में बनाऊंगा वो डिस्क्रिप्शन, अभी नहीं लिख रहा, बाद में लिखूंगा। ठीक है मित्रों, जय माता रानी की।